शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसने प्रत्यंचा बना थी वासुकी नाग से और बाल था विष्णु जी का वंज। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके दो पहिए थे सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सिधार गया। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई और धरती पर काशी के वासियों ने। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं, जहां आग और पानी, प्रकाश और अंधकार, आकाश और पृथ्वी, अमर्त्य देवगण और मर्त्य मनुष्य तथा अनंत अंतरिक्ष सब मिलकर एक हो जाते हैं। श्री शैल कहीं भी मां शंकर कभी आशुतोष को प्रणाम कर। वैद्यनाथ केदार कहीं नटराज भक्त ओंकारेश्वर। सोमनाथ पशुपति नाथ है विश्वनाथ है त्रिपकेश्वर। रामेश्वरम है लिंगम नागेश है कृष्णेश्वर। वेद शिवम शिवम वेदम वेद शिवम शिवम वेदम वेद शिवम शिवम वेदम वेद शिवम शिवम वेदम। यद्यपि शिव की कृपा सदा इस काशी पर बनी रही है, पर कहते हैं कभी इस काशी में न शिव थे न गंगा, न ये सब मंदिर थे न शिव। यहाँ एक पावन वन था जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे आनंद कानन। उस समय केवल कोद शबर भील भर निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों पर तर। वरुणा किनारे बसी वरण के वृक्षों से घिरी बस्ती का नाम वाराणसी कहलाने लगा। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। इस ब्रह्मांड में गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी था राजा बलि पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का पौना बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी मौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे वो भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,000 सूचना मिलते ही सब चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई। और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले जा। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिर गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी, इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थामे।
अब भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर शिव तैयार आने दो गंगा को आने दो। गंगा ने भागीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया, पर साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक आर्थिक सामाजिक ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। नदी का फिर पुनः निर्माण करवाया, उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं